कला संस्कृति और युवा विभाग बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मां वन देवी हरदी दुर्गा स्थान में 3 दिवसीय वीर लोरिक महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, पिपरा विधायक रामविलास कामत, पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव, डीएम कौशल कुमार और एसपी शैशव यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर स्मारिका का विमोचन किया गया और इस मौके पर मंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर सरकारी योजनाओं से संबंधित विभिन्न विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का उद्घाटन किया। साथ ही इस तमाम स्टॉल का निरीक्षण भी किया गया और अहम जानकारी प्राप्त की गई। मौके पर मंत्री ने कहा कि वीर लोरिक दुनिया में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। वे दुनिया को अपना परिवार मानते थे। वे न्यायप्रिय और समतामूलक समाज की स्थापना कर सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने का कार्य करते थे। उन्होंने कहा कि सूबे के मुखिया के निर्देश पर यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सुपौल से अमरेश कुमार की रिपोर्ट। वीर लोरिक महोत्सव मनाया जा रहा है सर? नहीं, भगवान वीर लोरिक अहिर, उनका जो चरित्र है, जो हम लोगों को पता है, असत्य पर सत्य का विजय हो, गरीब मजलूमों और बेवसों का मदद हो, यही उनका इतिहास रहा है। माँ दुर्गा के बहुत बड़े उपासक थे और आपके माध्यम से न सिर्फ हरदीवासी को, न सिर्फ सुपौलवासी को, राज्यवासी और देशवासियों को ये अनुरोध अनुनय विनय करना चाहता हूँ कि अगर वीर लोरिक अहिर की स्तुति करनी है तो निश्चित तौर पर मजलूमों बेवसों को, जो दुखी पीड़ित लोग हैं, अपनी क्षमता अनुसार उनको मदद करिए। यही आज का वीर लोरिक अहिर के प्रति बड़ा सम्मान होगा।